इंकलाब जिंदाबाद, मुकुट फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और बड़ा सरप्राइजिंग रहा है, अभी एमपी पुलिस का, एमपी का बता रहा हूँ, एमपी पुलिस का तैयारी चल रही है बच्चों की। अपना 9 से फिजिकल स्टार्ट है, उसी के बीच में एक खबर आ गई एसएससी जीडी फिजिकल की। मतलब ये मान लीजिए ये तगड़ा हुआ है बच्चों के साथ में। कैसा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ कि एमपी में तो एमपी पुलिस की तैयारी चल रही है, बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी, एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी के लिए लगे थे। मतलब 800 मीटर की तैयारी करने लगे थे और उनको एकदम ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी जो है ना एसएससी जीडी की जो है ना फिजिकल की डेट जाएगी। और एसएससी जीडी फिजिकल की डेट आ चुकी है, डेट कल आ चुकी है। अब आपको मैं बताता हूँ, बच्चों को लगभग किसी को 10 दिन, किसी को 15-20 दिन, ऐसे लगभग बच्चों को मिले हुए हैं। लगभग मेरे को जो मतलब मेरे पास में अभी स्टूडेंट है जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका उनको जो है ना उनकी डेट आई है ना, उनको लगभग 15-20 दिन का जो है ना उनका डिफरेंस आया है। किसी का 15 दिन का आया है। तो अब इतने कम समय में, क्योंकि तैयारी तो ये तो एमपी पुलिस के बच्चों की बात हो गई जो तैयारी कर रहे थे एमपी के। अब अदर स्टेट का मैं बोलूँ तो ऐसा सोचा नहीं था कि एकदम से इतनी कम टाइम में एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे थे अब उनके लिए कैसे करना है, तो आज उन्हीं के लिए बात करने के लिए मैं आया हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, सुनोगे, क्योंकि आज सिर्फ टिप्स की वीडियो है, सुनोगे तभी समझ में आएंगी बातें। और नहीं सुनोगे, स्किप करके निकल जाओगे, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं और आपका इतनी देर वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं हो। पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे बच्चों को, उनको तो फिर भी कम दिक्कत आएगी, 15 दिन में वो चाहे तो कवर कर सकते हैं। तो मैं बात यहाँ पे दोनों की करूँगा, मैं एमपी में जो राज्य में बच्चे हैं उनकी भी बात करूँगा जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो सिर्फ एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए फिजिकल की तैयारी का अपना स्टार्ट करेंगे। तो पहले बात करते हैं जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे और साथ में उनका एसएससी जीडी का फिजिकल भी आ गया। कई बच्चों का तो पता ऐसा हुआ कि आज मेरा एक स्टूडेंट है जिसका उसका मतलब आज एमपी पुलिस है और नेक्स्ट डे उसका एसएससी जीडी का फिजिकल है। तो ऐसा भी आ गया, किसी किसी का 4-5 दिन का गैप आ गया। तो जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जिस दिन भी फिजिकल है, आप अभी अपनी एमपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं, 800 मीटर टाइमिंग लगा रहे हैं, आप उसको तो लगाते रहिए, लेकिन थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा अपना वर्कआउट चेंज करके हल्का सा 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के तब थोड़ा सा जाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आपको स्टेमिना 5 किलोमीटर टाइमिंग के लिए आपको थोड़ा सा लंबा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 5 किलोमीटर दौड़ा है, अगर 400 मीटर का है तो 12.5 राउंड आपको लगाने हैं ट्रैक के, तो 12.5 के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। लेकिन वही एक बात फिर से बोल दूंगा मैं, अब नेक्स्ट बात क्योंकि करते हैं, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे थे तो वो तो बेचारे अभी उनको लग ही नहीं रहा था कि भाई हम लोग की डेट इतनी जल्दी आ जाएगी, फिजिकल के लिए इतनी जल्दी बुला लिया जाएगा। तो वो लोगों को क्या करना है, आपको मिले हैं 15-20 दिन, किसी को 25 मिल गए होंगे, तो मैं लगभग औसत 20 दिन लेके चल रहा हूँ कि आपको शायद 20 दिन मिले होंगे। तो 20 दिन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है ना अब एकदम से ऐसे मत करना कि गए और ग्राउंड पे आप तो भाई अब क्या करेंगे, एसएससी जीडी फिजिकल आ गया, 5 किलोमीटर टाइमिंग कैसे लाएंगे, इतना दौड़ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा आप इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप लगभग 4 से मतलब पूरा एक सप्ताह, अगर आपको 20 दिन मिले ना तो पूरा एक सप्ताह आप जो है ना 7 दिन तो जो है ना आप बिल्कुल नॉर्मल रनिंग करें, स्लो रनिंग स्टार्ट करना। अगर आपने हड़बड़ाहट में एकदम तेज रनिंग स्टार्ट कर दी तो आपको इंजरी आ सकती है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन आ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, और अगर तबीयत खराब होती है तो आपकी जितनी भी है ना प्रैक्टिस उसको और ख़राब कर देगी। इसलिए एकदम से दौड़ना स्टार्ट मत करना, आराम से एक हफ्ते आपकी बॉडी को आराम से लेके जाएं, थोड़ा वर्कआउट करें। मतलब दौड़ना है आपको तो लंबी दौड़े और एक्सरसाइज लगाएं, सबसे मेन एक्सरसाइज है, ठीक है? तो पहले दौड़े। अब सेकंड में आपको बात बताना जो चाहूंगा कि अब देखना, मान के चलिए आपने एक सप्ताह आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका स्टेमिना धीरे धीरे बनने लगा, तो स्टेमिना बन जाएगा ना, उसके बाद में आपको क्या करना कि आप जो है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज पे थोड़ा आप ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बॉडी जो है ना आपकी खुलेगी ना। मान के 5 किलोमीटर आप लगाओगे तो आपके पैर भरेंगे, स्टार्ट के आप 4-5 राउंड 6 राउंड और 400 दौड़ रहे हो तो 6 राउंड 7 राउंड तक तो आपकी बॉडी अच्छे से चल जाएगी, लेकिन लास्ट के 4-5 राउंड में बहुत दिक्कत देने वाली है। तो उसका क्या, आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो एक्सरसाइज जो है ना आप लगाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की वीडियो डाली है, उस लिंक से आप जाइए और वो वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद में मैंने ABC वर्कआउट की भी आपको एक एक्सरसाइज है, वो भी आप जो है ना जाके देख लेना। ABC जरूर आप जो है ना अगर आपके पास 10-15 दिन मिले
तो आप जो है ना हफ्ते में एक दो बार ABC लगाएं, इससे ज़्यादा आप लगाना भी मत, क्योंकि आपकी बॉडी रिदम में नहीं थी। तो ABC के लिए बहुत रिदम चाहिए होती, बॉडी को बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती जब लग पाती। तो पहले जो एक्सरसाइज की वीडियो जरूर मैंने डाल रखी है, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा। और तीसरी बात ये, आपका खाना पीना, आपकी डाइट बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रखना, पहले ही बोल दिया मैंने आपको, क्योंकि आप 5 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो आपको उसी हिसाब से रेपिटेशन भी लगाने हैं, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं एक 5 किलोमीटर लगा ली और आपका काम हो गया। आपको पहले 2 किलोमीटर की स्ट्राइड माननी है, फिर आप 2 किलोमीटर की स्ट्राइड माननी है, ऐसे आप 3-4-5 स्ट्राइड मारोगे जब जाके आप 10 किलोमीटर कवर कर पाओगे। आपको 400 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, तो आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको स्टेमिना की जरूरत है, स्टेमिना की जरूरत है, आपकी एनर्जी की जरूरत है, आपको एंड्योरेंस बनाना है। अब इसके बीच में तो आपको डाइट बहुत अच्छे से लेके चलना है, आपको डाइट बहुत अच्छे से खाना है। अगर आपको डाइट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाइट चार्ट डाइट की वीडियो बना दूंगा कि आपको इस टाइम पे क्या आपको लेना चाहिए। और गर्मी का मौसम चल रहा है भाई, आप जो है ना धूप से बचते हुए रनिंग करना, क्योंकि पहले आपका स्टेमिना बनना चाहिए। अब कई लोग ये बोलेंगे, मान के चलो सर धूप में ही हम लोगों की रनिंग लगवा दी, तो भाई प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइमिंग तो लेके आओ, पहले टाइमिंग आ जाएगी तो हम धूप में भी प्रैक्टिस कर लेना, आप और ज़्यादा धूप में कर लेना। लेकिन मतलब ऐसे सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे तक तो आप दौड़ो, धूप में हल्की हल्की धूप हो जाती है। जैसे मान के चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी लगभग 7:43 हो रहा है, लगभग 8 बजा है, तो 8 बजे काफ़ी धूप चमक चुकी है। तो इतने टाइम तक आप प्रैक्टिस करिए, इतने टाइम में आपकी जो धूप की भी हैबिट जो है ना वो आ जाएगी, और आपको धूप के गर्मी के साथ साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना, और फ्रूट्स वगैरह जो है ना उन पे थोड़ा सा अच्छा फोकस रखना, दूध वगैरह पीते रहना, केले वगैरह खाते रहना, फ्रूट्स में मतलब पूरे डाइट का, फिर मैं अगर आप बोलोगे तो डाइट की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग है ये बॉयज़ के लिए, और गर्ल्सों के लिए भी सेम है। आपको 1600 मीटर रहेगा आपका, तो आपको भी बहुत दिक्कत आने वाली, टफ पड़ता है इतने कम समय में 1600 मीटर की तैयारी करना गर्ल्सों के लिए, एक मतलब टफ तो पड़ता है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन तो है लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयां रहेंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा एकदम से रनिंग में झोंकना मत, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद था। एक हफ्ते के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, एक हफ्ते के लिए आप बॉडी को रिदम में लाएं, एंड्योरेंस अपना कंप्लीट करें, फिर धीरे धीरे अपने वर्कआउट को बढ़ाएं, और फिर आपके पास कम समय है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, तो मुकुट फिजिकल एकेडमी में आप जितना भी दिन बच रहे हैं आप आ सकते हो, एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको अगर डाइट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। जय हिंद।